नमस्कार प्यार विद्यार्थियों, डिजिटल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में भी हमारी चल रही है संध्या, और संध्याओं में भी जो हमारा एक टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का नियम चल रहा है आपका नियम नंबर 9, यानी इससे पहले मैं आपके नियम नंबर 8 तक आपको पढ़ा चुकी हूँ। नियम नंबर 8 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए पिछली जो क्लास थी आपके नियम नंबर 8 में मैंने क्या पढ़ाया था वो देखते हैं। यदि आपने मेरी क्लास पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको नियम नंबर 8 में बताया था, यदि आपके विसर्ग से पहले आ या आ आए और उसका मेल इनसे भिन्न आपके अन्य स्वर से होता है, तो आपका विसर्ग, का लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। जैसे कि शब्द पढ़ा था हमने अतः धन एव, तो ये आपका लोप हो गया तो शब्द बनेगा अते। कितनी बार आप सोचते हैं आ गया, मान लीजिए इसको विसर्ग को हटा के ये शब्द दे दिया अतः, के बाद मान लो इसके नीचे हलंत लगा दिया या एव कर दिया, तो आप क्या सोचोगे? आपको या तो आप सोचोगे ये अतः मान लो हलंत युक्त दे दिया, आप क्या सोचोगे ये आ गया, आ के बाद ए आ रहा है तो आप क्या सोच रहे होगे? प्रति संधि हो रही है तो ये शब्द आपका अतः इस तरह प्रकार मिलता है, तो ये आपका पूरी तरह गलत है। आपका नियम नंबर 8 में बताया था ये चीज़ मैंने, आ का मेल आप यदि भिन्न स्वर से होता है तो आपका विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहाँ मैं आपको नियम नंबर आपके 9 बताऊंगी, यदि आ का नियम मेल, यदि आ का मेल आपके आ से ही होता है, यानी विसर्ग से पहले आपके आए और विसर्ग के बाद भी आपके आए, तो आपका विसर्ग, अब इसमें आपका विसर्ग का लोप नहीं होगा। ये आपके है अवग्रह संबंधी नियम। क्या है अवग्रह? नियम नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था कि विसर्ग का लोप हो जाता किस परिस्थिति में होगा, यदि विसर्ग से पहले आपके आ आ आए और उसका मेल यानी संधि आपके अन्य किसी स्वर, यानी 9 स्वर बचे, आ तो हमने बाहर निकाल दिए, क्या बचा? ई उ ए ऐ और ओ औ और आपके री, तो ये अगर हमें होते हैं तो आपके क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। यदि अब हम नियम नंबर 9 में बता रहे हैं, यदि आ का मेल आ से ही हो, तो विसर्ग तो बदल जाएगा ओ में, विसर्ग किस में बदलेगा? ओ में, और जिससे मेल करा रहे हैं वो क्या बन जाएगा? आपके अवग्रह। इसको देखो संधि का ही नियम है ये, ऐसा नहीं है, देखिए मैंने आपको शब्द भी लिख दिया, ये आ है, ये तो है विसर्ग की जगह आया है, और ये जो एस दिख रहा है ना आपको, ये एस, इसको बोलते हैं अवग्रह संबंधी नियम। ये क्या है? अवग्रह, यानी आया हुआ है, बुलाया गया है, तो अवग्रह। जैसे कि मैंने आपको प्रकृति भाव का नियम बताया था इससे पहले, तो प्रकृति भाव के नियम में क्या था आपका? जैसे कि तैसा ही रहेगा। यहाँ पे क्या अवग्रह यानी आया, बुलाया गया है, तो आप ये देखिए जो शब्द मैंने लिखे हैं, विसर्ग की जगह तो ओ, विसर्ग की जगह ओ और आ की जगह, यानी आ से जिससे मैंने मेल कराया वहाँ पे आपके आ का क्या बन गया है? अवग्रह। अवग्रह यानी आया हुआ। ये आप एस जो जो देखोगे, ऐसा नहीं है अपन कभी कभार ऐसे शब्द आया तो अपन क्या सोचते हैं भाई गलत हो गया होगा, क्योंकि नियम नंबर 1 में हमने पढ़ा था, देखिए नियम नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि यदि विसर्ग से पहले आ की ध्वनि आती है और विसर्ग का मेल आपके घोष वर्णों से होता है, किससे होता है? घोष वर्ण, याद रखना नियम नंबर 1 जो मैं आपको बता रही हूँ, नियम नंबर 1 में बताया था कि घोष वर्ण से होगा, ना तभी आपका विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा, बताया था, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या है, विसर्ग का मेल यदि विसर्ग से होता है तो आपका ओ में तो बदलेगा ही विसर्ग, लेकिन आ के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा? अभिग्रह आ जाएगा। चलिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं फिर बात करते हैं इनके नियम के बारे में। सूत्र में आपके सामने पहले ही लिख चुकी हूँ, क्योंकि समझने में दिक्कत होगी इसलिए मैंने इसको उतार दिया है। चलिए देखते हैं पहले परिभाषा, यदि
यह है आपके परिभाषा। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के ध्वनि में विसर्ग से पहले आ या आ आए एवं इसका मेल द्वितीय शब्द में आए आ और आ से ही हो तो विसर्ग के स्थान पर तो ओ विसर्ग का तो ओ एवं आ या आ के स्थान पर अवग्रह अवग्रह आता है। दोबारा देखना मैंने क्या लिखवाया। यदि प्रथम शब्द के यानी आपके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि विसर्ग से पहले आपके आ आ आए और द्वितीय वर्ण में भी आपके आ ही रहे तो विसर्ग तो बदलेगा अ में और आ आ बदलेगा अवग्रह। यानी ये एस का जो आप चिन्ह देख रहे हो ये एस ये क्या है अवग्रह। तो ये है आपकी परिभाषा। इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या आप इसको उतार भी सकते हो। ये परिभाषा है। मैंने नियम या सूत्र इसका आपके सामने लिखा है जैसे कि आपको दिख रहा होगा आ आ आ आ का मेल किससे करा रही हूँ मैं आपके आ से ही करा रही हूँ। यह है विसर्ग से पहले आ रहा है आपके आ और विसर्ग के बाद भी आपके मेल में करा रही हूँ आ आ से। तो विसर्ग का तो ओ में परिवर्तन और अवग्रह की जगह आ की जगह अवग्रह। चलिए इसे उतारो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये सूत्र है देखिए इसको मैं यहीं पे करती हूँ। मैं अभी आपके सामने सूत्र नहीं साफ कर रही इसको मैं थोड़ा सा यहाँ करती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा आपके ये ओ है जैसे कि देखिए मनोअभिलाषा मनहा मना के बाद आपके आएगा अभिलाषा। तो विसर्ग तो बदला आपके ओ में तो शब्द बना आपके सामने मनो यानी विसर्ग बदल गया और आ आ के स्थान पर आ गया ये तो आ के स्थान पर आया है। तो ये पहले क्या कर रहा था हम इन दोनों को मेल करके फिर आपके भी लाशा शब्द जैसा है वैसा ही रह जाएगा बाकी आपके ये हो जाएगा यानी विसर्ग के जगह तो आपके ओ बना है और उसके जगह ये तो शब्द बनेगा आपके मनोभिलाषा। फिर आते हैं हम मनोनुकूल तो मनहा मना के बाद विसर्ग फिर आपके अनुकूल तो ये तो हो अवग्रह और ये हुआ आपके अ तो इससे शब्द बनेगा आपके मनोनुकूल। फिर आते हैं यशो यश विसर्ग अभी लाशा विसर्ग के जगह इसके जगह तो ओ एस और इसके जगह आपके बना ओ तो शब्द बनेगा आपके सामने यशो अभिलाषा। इसको प्रोनाउंसिएशन इसका ये नहीं कि आप इसको यशो आपको ऐसा लगता है ना ये डाडमरू के तरह लग रहा है तो आप या तो यशो ऑर्डर करो नहीं ये आपका अवग्रह है। जैसे कि अपन नॉलेज पढ़ते हैं तो नॉलेज में के साइलेंस रहता है इसी तरह इसमें भी ये साइलेंस ही रहेगा आपके इसके उच्चारण होगा मनोअभिलाषा ही होगा आपका मनो अनुकूल ही होगा यशो अभिलाषा होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम इसका उच्चारण गलत ढंग से करें हैं। तो ये एस नहीं डमरू नहीं है ये आपका अवग्रह है
तो आपका शुच्चारण भी इसका यूं ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 9 करचक हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या फिर इसको उतार भी सकते हैं। चलिए देखिए, जिसने भी मेरी पुरानी क्लासें नहीं देखी, आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब या आप लाइक कर सकते हैं। और जिन्होंने भी मेरी क्लासें नहीं देखी हैं पिछले वीडियो, क्योंकि मैं संधि को आपको बहुत विस्तार से पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ मैंने खोल के समझाई है संधि की। संधि की यानी मैंने शुरुआत से परिभाषा से लेकर आपके उसके भेद, उपभेद और व्यंजन संधि कराई है। व्यंजन संधि के भी मैंने नियम नंबर 16 कराए हैं, जो आपको कहीं किताबों में भी नहीं मिलेंगे और कहीं पर भी इतने विस्तार से आपको नहीं मिलेगा। और आपको जो मैं विसर्ग संधि पढ़ा रही हूँ, आपने देखा होगा मैंने ये नियम नंबर आपके सामने 9 जो लेके आई हूँ, ये अव्यय संबंधी नियम है, ये कहीं भी आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कितनी बार अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, गलत छप गया होगा। ये गलत नहीं है, ये संधि का ही नियम है, बस आपको पढ़ाया या आपको जानकारी नहीं दी जाती है। आपको भी पता है कि अभी आपकी कितनी बड़ी UPSI हुआ, आपके MPSC SI हुआ, आपके RPSI हुआ, RPSI हुआ, तो ये सारी भर्तियाँ अभी आने ही हैं, यानी SI की भर्ती। अरे SI में आपकी हिंदी की क्या भूमिका है ये आप अच्छे तरह जानते हैं। तो हिंदी में अगर आप विस्तार से एक एक चीज़ को पढ़ोगे तभी आप उनके नंबरों को लेके आ सकते हो। हिंदी में नियम नंबर लेके आना आपके खुद के ही हाथों में है। अगर कोई मुझसे कहे कि नहीं मैडम जी की हिंदी में नंबर कट जाते हैं, हिंदी में नंबर कटते हैं केवल आपकी खुद की गलती से, क्योंकि GK की मैं मान सकती हूँ। GK में भी आपके अथाह है सागर भंडार। GK को हम कितना भी याद करें, कहीं से भी हमारा पेपर छूट ही जाता, कुछ ना कुछ याद रह ही जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ट्रिकों से ही चलता है। जिस प्रकार हम अगर उनको ध्यानपूर्वक देखोगे सब चीज़ों को, तो आपको सारी चीज़ प्रश्न के अंदर ही छुपी हुई है, प्रश्न के अंदर ही छुपी हुई है, केवल आपको ध्यानपूर्वक गौर से देखना है। तो मैं आपको पिछले वीडियोस में मैंने संधि करा दिया है। अगर किसने भी मेरी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ आपको मेरे पिछले वीडियोस मिल जाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और आगे कहूँगी कि आप अगर आप इससे संबंधित पेपर प्रश्न देना चाहते हैं तो आप डिजिटल क्लासेस के ऐप पे जाइए, वहाँ आपको करीब इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। करीब 4,500 के आसपास प्रश्न हैं। तो आप टॉपिक वाइज इनको टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हुए हैं, जैसे संधि का हुआ, समास का हुआ, सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट डालो, तो वहाँ जाकर आप अपने प्रश्नोत्तरी हल करिए। और इससे संबंधित जो भी मुझे कुछ गलत हो या आपको लगे कि सही करना है, तो आप उसके कमेंट द्वारा मुझे बताइए। तो अभी चलते हैं हम हमारे आगे के टॉपिक प्रकरण पर जाने। नियम नंबर 9 में करा रही हूँ, आगे चलते हैं हम नियम नंबर 10। नियम नंबर 10, चलिए नियम नंबर 10 है मेरा, विसर्ग का रा में परिवर्तन। विसर्ग का रा में परिवर्तन हम नियम नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ेंगे हम विसर्ग, आपका विसर्ग बदलेगा रा में। चलिए अभी मैं इसका टॉपिक आपके लिए इसको लिख के छोड़ रही हूँ, और इसको हम आगे ही क्लास में देखेंगे कि नियम नंबर 2 में भी हमने रा पढ़ा था, तो नियम नंबर 10 में ऐसा क्या है कि हमको दोबारा विसर्ग को रा में परिवर्तित करना पड़ रहा है। तो इसको हम आगे देखते हैं आगे क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।